दोस्तों, विश्व के भूगोल में वानुआतु देश का अपना एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को दूसरे देशों से अलग करती हैं, जैसे कि इस देश की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय। दोस्तों, वानुआतु को आधिकारिक तौर पर वानुआतु गणराज्य कहा जाता है, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। वानुआतु ने 23 जुलाई 1980 में यूनाइटेड किंगडम से और फ्रांस से आज़ादी हासिल की। इस देश का कुल क्षेत्रफल 12,189 वर्ग किलोमीटर है और दिसंबर 2022 के अनुमान के अनुसार इस देश की कुल जनसंख्या 3,24,819 है। वानुआतु की आधिकारिक भाषाएं बिस्लामा, फ्रेंच और अंग्रेजी हैं। वानुआतु की मुद्रा का नाम वानुआतु वातु है और इस देश का कॉलिंग कोड +678 है। वानुआतु में ज़्यादातर लोगों का धर्म ईसाई है। दोस्तों, वानुआतु में लगभग 82 अपेक्षाकृत छोटे ज्वालामुखीय मूल के भौगोलिक रूप से नए द्वीपों का एक द्वीप समूह है। इनमें से 65 द्वीप बसे हुए हैं, जिसके सबसे बाहरी द्वीपों के बीच उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर है। इनमें से 2 द्वीपों मैथियो और हंटर पर न्यू कैलेडोनिया का फ्रांसीसी विदेश विभाग भी अपना दावा करता है। वानुआतु द्वीप समूह के 14 द्वीपों की सतह का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ के ज्यादातर द्वीप तेज ढलान वाले हैं, जिनकी मिट्टी अस्थिर है और इनमें स्थायी ताजे मीठे पानी की ज्यादा कमी है। वानुआतु में लोपवी सहित कई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, साथ ही यहां कई जल निमग्न ज्वालामुखियां भी हैं। वानुआतु में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट तबुए मसाना है। इसकी ऊंचाई 1879 मीटर है और इस देश की सबसे बड़ी नदी सरकाता नदी है। इस देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसकी वजह से यहाँ 9 महीने गर्मी और बरसात होती है। वानुआतु का राष्ट्रीय पकवान लैप लैप है। दोस्तों, इस देश की अर्थव्यवस्था के 4 मुख्य आधार पर्यटन, कृषि, अपतटीय वित्तीय सेवाएं और पशुपालन है। यहाँ मछली पकड़ने से जुड़ी गतिविधियाँ काफ़ी होती रहती हैं। प्रमुख निर्यातों में कावा, कोपरा, कोको, गोमांस और इमारती लकड़ी भी शामिल हैं और आयात में मशीन और उपकरण, खाद्य पदार्थ और ईंधन आदि सामान सम्मिलित है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।